मेरे इस चैनल के साथ जुड़ने वाले सभी श्रोता और दर्शक सबको मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। कल थोड़ी सी फिर एक टाइटल देने में गलती हो गई, रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद कोई आ गया, मैं बाहर चला गया, आया तो जो नेक्स्ट डे मुझे पॉइंट्स बना रहा था तो वो टाइटल लिखना था, तो महावीर सिंह पार्ट 3 लिखना था मुझे। महान क्रांतिकारी, गजब का क्रांतिकारी, विलक्षण क्रांतिकारी, काला पानी में ही संघर्ष करते करते अपने जीवन का अंत करने वाला वो शहीद, वो महान क्रांतिकारी, उसका पार्ट 3 मैंने अंदर तो वही दिया है, कैसे वो आखिर यात्रा का वो पड़ाव, किस प्रकार से वो हमें सबको छोड़ के चले गए। महावीर सिंह 8वीं कक्षा के असहयोग आंदोलन से लेकर उसके बाद की सारी घटनाएं मैंने आपके सामने रखते हुए, और काला पानी जैसे कितनी जेलें बदल करके उनको काला पानी भेज करके किस प्रकार का उनका, बस मेरा टाइटल जो मैंने लिखा हुआ है उसके ऊपर यशपाल। हिमाचल के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, हिमाचल के स्वतंत्रता संग्राम में मूवमेंट के अंदर, गांधी की मूवमेंट के अंदर तो पार्टिसिपेशन रहा, और आज का हिमाचल ये तब हिमाचल था भी नहीं, लेकिन उस प्रकार के क्रांतिकारी बहुत बड़ी संख्या में, बहुत सारा इलाका तो ये पंजाब में था, तो पंजाब से तो बहुत क्रांतिकारी निकले। आज के हिमाचल में उस समय का कांगड़ा जिला बहुत बड़ा जिला था, आज भी बड़ा है लेकिन उस समय तो बहुत ही बड़ा था, कुल्लू मनाली तक। उस समय का कांगड़ा जिला और आज का हमीरपुर जिला हिमाचल का, और ब्यास के किनारे बसा हुआ नादौन नगर, उसके निकट के गांव का रहने वाला यशपाल, जिसका मैंने टाइटल में तो कल नाम दे दिया लेकिन आज हम उस पर विचार करेंगे। यशपाल और भगवती चरण बोहरा, उनके श्रीमती दुर्गा देवी बोहरा, वो भी कमाल के क्रांतिकारी थे, बहुत बड़ा योगदान। यशपाल और भगवती चरण बोहरा दोनों ही बहुत उच्च कोटि के क्रांतिकारी थे। भगवती चरण बोहरा और उसकी श्रीमती का तो अपनी तरह का कई घटनाओं के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत बड़ा रोल रहा, पूरे परिवार को दांव पर लगा करके चलने वाला भगवती चरण बोहरा और उसकी श्रीमती। लेकिन उनके मित्र ये यशपाल, ये क्रांतिकारी तो उच्च कोटि के थे परंतु साहित्य में भी इनकी काफी रुचि थी, पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा, लिखने का पढ़ने का बहुत ज्यादा स्वभाव था, उसमें भी लगे रहते थे, स्वाध्याय के द्वारा भी दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। यशपाल साहित्यिक रुचि के होने के कारण, यशपाल जो है शुरू में उस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में लोगों को तो नजर नहीं आए, लेकिन वो साहित्यिक रुचि के होते हुए भी क्रांतिकारियों के साथ फ्रंट लाइन पर ही खेलते थे, उनके साथ पूरा सहयोग करते थे। उन्होंने साहित्यकार होते हुए भी जम्मू में एक बम की फैक्ट्री बनाई। उस समय का पंजाब, आज का हरियाणा, रोहतक, वहां भी एक बम की फैक्ट्री बनाई। साहित्यकार हैं, रुचि साहित्य में है, बाहर देखने में लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, और इतना नहीं आगे चलकर कानपुर पहुंचकर चंद्रशेखर के साथ
हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के भी सदस्य बन गए हैं। भगत सिंह और सुखदेव ये तो नेशनल कॉलेज लाहौर में क्लासमेट थे यशपाल के। तो इस प्रकार से सबके साथ सब प्रकार का संबंध होते हुए भी सामने लोगों के ये एक साहित्यकार के नाते ही काफी देर तक आते रहे। उस समय के अंग्रेजों के प्रमुख जो थे लॉर्ड इरविन वायसराय थे, उनका केंद्र दिल्ली बनाया गया। ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे थे, पहुंचना था उनको। भगवती चरण बोहरा और यशपाल ने दोनों ने एक स्कीम बनाई कि इस ट्रेन को उड़ा देंगे और लॉर्ड इरविन को समाप्त कर देंगे। दिल्ली मथुरा के बीच रेलवे लाइन पर, दिल्ली से थोड़ा पहले निजामुद्दीन स्टेशन पर, उसके 200-300 फुट पहले, 100 मीटर के आसपास पहले, उसी लाइन पर एक बॉम्ब के साथ दो तारे जोड़ दी गई और उन दो तारों का दूसरा सिरा एक बैटरी के साथ जोड़कर झाड़ी के पीछे छिप गए। ट्रेन को सुबह 6 बजे आना था। पहले तो ये इनमें तकरार होता रहा कि बम विस्फोट कौन करेगा, वो एक अलग से बड़ी रोचक घटना है। लेकिन आखिर में ये निर्णय हो गया कि अच्छा भाई, बम विस्फोट यशपाल अड़ा हुआ था कि मुझे ही वो बहुत ज्यादा आग्रह कर रहा था कि ये विस्फोट मुझे ही करना है। बम दोनों बनाना जानते थे, बम दोनों विस्फोट करना जानते थे। आखिर में ड्यूटी बंट गई, विस्फोट यशपाल करेगा और उसको वहां से बाद में ले जाने का काम, जो है वो भगवती चरण बोहरा करेंगे। ट्रेन सुबह 6 बजे पहुंचनी थी। आगे किस प्रकार से क्या हुआ ये हम इस यात्रा के, आगे की यात्रा बहुत रोमांचकारी है। उस समय के महान क्रांतिकारी क्या सोचते थे, क्या करते थे, कैसे करते थे, क्या क्या उनके सामने संकट आते थे, क्या क्या उनके सामने चुनौतियां आती थी। अंग्रेजों को एक साथ 1 घंटे के अंदर सारे देश से मुक्त करने का भव्य प्लान, वास्तव में ये चंद्रशेखर आजाद के दिमाग में पहली बार आया था। क्रांतिकारी उसके पहले भी लगे हुए थे, उसके बाद भी लगे हुए थे। चंद्रशेखर ने एक नया मैसेज दिया अपने साथियों को, बड़े बड़े शहरों में, छोटे कस्बों में हम बम फैक्ट्री बनाते चले जाएं, हमको बम बनाना आ गया है, सिखाएं, बनाएं, विस्तार करें। और एक दिन नहीं, एक दिन तय करके एक घंटे के अंदर अंदर वो विस्फोट सब जगह, जहां जहां अंग्रेज ऑफिसर बैठे हैं, और आर्मी के लिए भी तय हो गया, जहां जहां अंग्रेज ऑफिसर बैठा है वहां हमारे भारतीय सैनिक जो है, अंग्रेजों की फौज तो भारतीय ही थे ना, सारी की सारी फौज थोड़ी इंग्लैंड से आ गई थी। वीर मंगल पांडे ने वो शुभारंभ कर दिया हुआ था 1857 में। अंदर अंदर से वो विद्रोह की आग सुलगती रहती थी, प्रयास जारी थे, वो काम उसी टाइम खत्म नहीं हो गया। उसमें कुछ सफलता मिली, कुछ नहीं मिली, कुछ समय से पूर्व हो गया, अनुशासन मेंटेन नहीं हो पाया, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धियां थी, बहुत बड़ा अंग्रेजों के लिए शॉकिंग इंसिडेंट था वो, उनकी सोच से परे था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। भारतीय लोग एक साथ आर्मी में भी, किसान भी, साधु संत भी, युवा भी, सब तरह के लोग
सब तरह के लोग अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त सशस्त्र संघर्ष के लिए खड़े हो सकते हैं, ऐसा वो समझते नहीं थे, मांगते नहीं थे, जानते नहीं थे, उनको आशा नहीं थी। तो एक इस प्रकार का शॉकिंग सा उनके सामने ये दृश्य आया था। उसके बाद भी क्रांतिकारियों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन चंद्रशेखर के दिमाग में था, और अभी ये भगवती चरण बोरा और जशपाल, ये दोनों भी बम बनाना भी जानते थे, विस्फोट करना भी जानते थे। ऐसे ही देश के अंदर बड़े पैमाने पर बड़े बड़े प्रयास होने थे, आगे हुए भी, लेकिन अभी जो था विस्फोट का काम करना था जशपाल को, और उसको वहां से बाद में हटा करके ले जाने का काम करना था भगवती चरण बोहरा को। ट्रेन सुबह 6 बजे आई, तो उस स्टेशन से पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको तो हम कल समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तो हम समझ सकते हैं ना, एक बात तो सबको समझ आनी चाहिए ना, आजादी हमको नेहरू और गांधी ने लेके दी, कांग्रेस ने लेके दी, इससे बड़ा झूठ मक्कारी और इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। आजादी लेके देने वाले, सर्वस्व निशावर करने वाले, उनको पढ़ाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया, और वीआईपी जेल में बैठे हुए नेहरू और गांधी को, एक को राष्ट्रपिता और एक को चाचा नेहरू क्या करके थोपा गया अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर्स को। गांधी अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड नहीं था, लेकिन गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, और नेहरू और उसका बाप दोनों ही, उसके साथ और भी कई कांग्रेस के उन लीडर्स के मैं नाम लेके बताना चाहूंगा जो स्पॉन्सर्ड थे, वो मुसलमान भी थे, वो हिंदू भी थे, वो मुस्लिम लीग भी थी, वो कांग्रेस भी थी, वो और भी कई तरह के तत्व ब्रिटिशर्स ने घुसाए हुए थे, और वो जिस प्रकार का, उनको तो अपना काम करना था, उनकी अपनी जो भी योजना थी उसको साकार करना था, उनका उनको मुबारक। लेकिन अपने ही देश के, भारत माँ के, जिनको सपूत कहा गया, उन्होंने कपूत बन करके भारत माँ का बंटवारा स्वीकार किया केवल एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और इतना ही नहीं, अंग्रेजों के साथ समझौता किया कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिलेंगे तो हम आपको सौंप देंगे, ऐसे और कई तमाशे, बहुत तमाशे। अंग्रेजों के अभी 5-7 साल से कुछ कानून बदलने लगे हैं, यद्यपि अभी भी बहुत सारे कानून बदले जाने की ज़रूरत है, लेकिन सब वही धरा चलता रहा, चेहरे बदले, गोरे अंग्रेज चले गए, काले आ गए, वो लूट खसूट में पड़ गए, उन्होंने भारत को भारत ना बना करके वो इंडिया जो पश्चिम देश देखना चाहते थे, वो इंडिया जो कश्मीर को प्रॉब्लम बना करके, और वो लोग जो शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और नेहरू की मकारी से अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, वो क्या करना चाहते थे, उनको मुबारक। हम क्या कर रहे थे ये तो सामने लाना होगा ना। दोनों तरह के लोग सामने लाऊंगा, उन गद्दारों को भी लाऊंगा, देशद्रोहियों को भी लाऊंगा, बिकाऊ माल को भी लाऊंगा, और उस समय के महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपना सर्वस्व निशावर कर दिया स्वतंत्रता रूपी देवी के दर्शन कराने के लिए, स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपना सर्वस्व होम कर दिया, आहुत हो गए, उनको पढ़ाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया, उनको सुनाया नहीं गया। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रकार का काम एक बार होना चाहिए। अभी तो वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का समय लिया है, 90 वर्ष का। इन्हीं 90 वर्षों में कम से कम 150 वो क्रांतिकारी, वो महापुरुष, वो हुतात्माएं, वो श्रेष्ठ आत्माएं आपके सामने रखूंगा, जो नीम के पत्थर थे, वास्तव में नीम के पत्थर थे इस अधूरी आजादी के। अधूरी तो बनाने वाले दुष्ट और थे इस सो कॉल्ड आजादी के, लेकिन वो अपना सब कुछ निशावर करके आगे वाले लोगों ने क्या सौदा किया, क्या समझौते किए, क्या कॉम्प्रोमाइज किए, क्या एडजस्टमेंट की, कैसे वो इंडिया को दुनिया के सामने किस प्रकार का पेश करना चाहते थे, भारत को भारत बनाने का काम नहीं हुआ।
वो सुभाष चंद्र बोस कर सकते थे या पटेल कर सकते थे। कांग्रेस की पूरी पूरी उस परंपरा के अंदर एक लाल बहादुर शास्त्री भारत की परंपरा थे के थे, बाकी सब इंडिया की परंपरा के लोग थे सब। इसलिए आज पहली बार पिछले 6-7 सालों में लगता है भारत को भारत बना करके फिर से विश्व गुरु बनाने का स्वप्न लेकर के चले हुए लोग, भगवान इनको सफल करें और सारी दुनिया के अंदर भारत के बढ़ते कद को देख करके एक आशा जगने लगी है कि शायद बहुत सालों के बाद ही सही, बहुत कुछ लूट जाने के बाद ही सही, बहुत कुछ तबाह हो जाने के बाद ही सही, बहुत कुछ डिरेल हो चुका है, उसको संभालते लाइन पर लाते समय लगने वाला है इस कारण से ही सही। लेकिन अब जो कुछ अच्छा होने लगा है, बहुत अच्छा हुआ है, हो रहा है, अभी बहुत अच्छा करना बाकी है। पुलिस का काम करने का ढंग तरीका बदलना पड़ेगा। जुडिशरी इटसेल्फ डिफेक्टेड है, दोष मुक्त है, दोष युक्त है। जुडिशरी सारी की सारी दोष युक्त है, सिस्टम गला सड़ा है। इस जुडिशरी से और इस पुलिस से, इस सिस्टम से आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा। 30-30 साल एक केस चलता है, उग्रवादियों को भी कई सालों के बाद हम फांसी का फंदा दिखा पाते हैं। अरे भाई कुछ चीज़ें तो ऐसे सिलेक्ट करो जिनमें क्विक डिसीजन दिया जा सके 2-3-6 महीने के अंदर। सब कुछ अभी और सुधारने की ज़रूरत है और भारत की शिक्षा पद्धति को बदलने की ज़रूरत है। भारत की शिक्षा पद्धति को नहीं बदला गया इन 7 सालों में। कुछ बना है, मैंने कुछ पढ़ा भी है, उसमें प्राइमरी तक की शिक्षा को बदलने का इरादा तो बहुत नेक, बुलंद और ठोस दिखता है, परंतु कॉलेज यूनिवर्सिटी की शिक्षा के अंदर तरीका सलीका वही, कुछ सिलेबस बदलने से काम नहीं चलेगा भाई। ऊपर का सिस्टम सारा बदलना पड़ेगा, एप्टीट्यूड एटीट्यूड दृष्टिकोण अप्रोच सब बदलनी पड़ेगी। लगता है आने वाले समय में इस दिशा में भी कुछ काम होगा। देशद्रोहियों के खिलाफ कानून, रेपिस्ट के खिलाफ क्विक सजा और शिक्षा को पूरी तरह से अच्छी तरह से। कब तक मैं काले और नेहरू को गालियां देते रहेंगे? अब आपका समय आया है तो करके दिखाइए, लाइए, निकालिए झोले में से जो आपके पास है, नहीं है तो विद्वानों को बिठाओ, विचार करो, लाओ, भारत को भारत बनाने की ओर देश बढ़ चला है। भारत इन लोगों से, इस नेतृत्व से बहुत आशाएं हैं, यद्यपि बंगाल के मामले में और जम्मू कश्मीर के उन गले सड़े लीडरों के साथ बैठ करके मीटिंग करके वो क्या करना चाह रहे हैं ये वो जाने भाई। कुछ तो विश्वास करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा जानते हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अगर मुझे और मेरे जैसे देशभक्त सज्जन लोगों को गुस्सा आ सकता है तो मोदी और अमित शाह को गुस्सा नहीं आया होगा, मैं ये नहीं मानता। ममता तो उनका सीधा सीधा अपमान कर रही है, मैं नहीं मानता कि वो ऐसे बेशर्म और ढीठ लोग हैं कि काम करते रहेंगे अपमानित होकर के। लेकिन देश के लोगों को मैसेज जम्मू कश्मीर की इस मीटिंग के मामले में और बंगाल की मीटिंग के बंगाल में 2 तारीख रिजल्ट के बाद जितना वहां पर अत्याचार हुआ है, अनाचार, व्यभिचार, बलात्कार, लूटपाट, आगजनी, रिफ्यूजी कैंप में जाना और प्रदेश छोड़ करके जाना, ये सब होने के बाद भी ऐसा नहीं लगा वहां के लोगों को कि हमारे पीछे भी कोई है। वो दुष्ट राक्षस ममता अपने तरीके से जो वो चाहती थी पहले भी करती थी, आज भी कर रही है। चलिए हम इस पर विचार करें कि इन क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने लाता रहूँगा। लाने का मतलब यही है कि किन लोगों ने वास्तव में आज़ादी की शक्ल दर्शन हमें करवाए, उनको हम याद भी करें, स्मरण भी करें, उनको हम श्रद्धांजलि दे सकें, उनको स्मरण करके आज के जनरेशन के सामने उनकी अपार कमाल की कुर्बानी, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए उन महान सपूतों को हम स्मरण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है ये उनके साथ तो न्याय क्या होगा, वो तो कर गए अपना काम,
अपने साथ न्याय तभी हो पाएगा और आने वाली जनरेशन के साथ न्याय तभी हो पाएगा। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आप शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।